सरकारी विभागों की आपसी सामंजस्य के अभाव का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। हाल ही में नगर परिषद ने कई जगहों पर डामर और सीसी सड़कों का निर्माण करवाया था, लेकिन इन सड़कों के बनने के बाद कुछ माह बाद ही जलदाय विभाग में एक बार फिर से यहां पर पाइपलाइन बिछाने के नाम पर इन सड़कों को तोड़ डाला। इसको लेकर डीसीएन लाइव ने भी इस ज्वलंत समस्या की प्रमुखता से खबर प्रसारित कर विभाग का ध्यान आकर्षित किया था। नगर परिषद आयुक्त ने खबर प्रसारण के बाद जलदाय विभाग को तोड़ी गई सड़कों के मामले में नोटिस जारी कर पुनः मरम्मत करवाने के आदेश दिए हैं। सरकारी विभागों के बीच आपसी सामंजस्य के अभाव का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। हाल ही में नगर परिषद ने कई जगहों पर डामर और सीसी सड़कों का निर्माण करवाया था, लेकिन इन सड़कों के बनने के कुछ माह बाद ही जलदाय विभाग में एक बार फिर से यहां पर पाइपलाइन बिछाने के नाम पर इन सड़कों को तोड़ डाला। इसको लेकर डीसीएन लाइव ने इस ज्वलंत समस्या की प्रमुखता से खबर प्रसारित कर विभाग का ध्यान आकर्षित किया था। नगर परिषद आयुक्त ने खबर प्रसारण के बाद जलदाय विभाग को तोड़ी गई सड़कों के मामले में नोटिस जारी कर पुनः मरम्मत करवाने के आदेश दिए हैं। दरअसल नगर परिषद द्वारा 3 माह पूर्व विधानसभा चुनावों से पहले वार्ड संख्या 36 और 51 में सीमेंटेड सड़कों का निर्माण करवाया गया था। लंबे समय बाद टूटी सड़कों की जगह सीमेंटेड सड़कें बनने से उन्हें अच्छी सुविधा मिली। 5 दिन पहले जलदाय विभाग द्वारा नई पाइपलाइन बिछाने के लिए नई सीसी सीमेंट को तोड़ दिया गया। इसको लेकर नगर परिषद आयुक्त विजय प्रताप सिंह का कहना है कि हमने जलदाय विभाग को पत्र लिखा है, जिसमें यह कहा गया है कि पाइपलाइन बिछाने का प्लान नगर परिषद को पहले बताया जाए, ताकि सड़कों का निर्माण किसी भी उस हिसाब से किया जा सके। इसके अलावा राय कॉलोनी में जहां पाइपलाइन बिछाने के लिए सीसी सड़कें तोड़ी गई हैं, पाइपलाइन का काम वहां पूरा होने के बाद ठेकेदार को पाबंद किया जाए कि वह क्षतिग्रस्त सड़क की अच्छे से मरम्मत करे, ताकि लोगों को दुविधा ना हो। हमने उनको कहा भी था, नोटिस भी दिया है, उनने वो हर बार क्या है कि तोड़ के चले जाते हैं। इस बार वो कह रहे हैं कि हमारा उस टेंडर में पूरा निर्माण करके कंप्लीट करके जाएंगे, और फिर पानी की भी अपने शहर में समस्या है, तो पानी का मान लो नहीं भी डालने दें तब भी तो अच्छी बात नहीं है। शहर के लोग ही पानी से त्रस्त होते हैं, तो नया कोई प्रोजेक्ट आया है उसके साथ पाइपलाइन डल रही है, लोगों को सुविधा मिलेगी, अब वो कंप्लीट करके देंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। ऐसी साहब ने पीएचई दी। बाड़मेर शहर में विभिन्न सरकारी कार्यालयों के बीच में तालमेल और सामंजस्य की कमी से सरकारी धन का दुरुपयोग लंबे समय से हो रहा है। राय कॉलोनी क्षेत्र में भी पाइपलाइन बिछाने के इस मामले में विभागों के बीच सामंजस्य की कमी साफ नजर आ रही है। अब नगर परिषद ने संज्ञान लिया है और जलदाय विभाग को ठेकेदार को पाबंद करने की बात कही है।